हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल जंक्शन में। और आज का टॉपिक है डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है, इसका यूज़ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डायरेक्शनल वाल्व होता क्या है। ठीक, तो ये हाइड्रोलिक डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। ठीक है, जो हाइड्रोलिक को कंट्रोल करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आपका, इसका डायरेक्शन दिया रहता है, यहाँ मॉडल दिया रहता है, ये डिफो कंपनी का है हमारा। ठीक, ये डायरेक्शनल वाल्व लिखा हुआ है। और ये मेरा कॉइल है, देखिए दो साइड मेरा कॉइल है, ये कॉइल है, ये कैप है इस कॉइल का, इसमें 220 सप्लाई जाएगा। तो कॉइल क्या करता है, इधर मूव करता है। इसमें ये इससे हम 4x3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं। ठीक है, तो 4x3 क्यों बोलते हैं, 4x3 इसलिए बोलते हैं, देखिए ये हमारा ये होल देख पा रहे हैं आप, तो ये मेरा यहाँ दिया हुआ है, ये देख पा रहे हैं पी है, तो पी है तो मिडिल में वाला मेरा पी रहेगा, जो ए है मेरा ये साइड वाला ए रहेगा, ये बी है, ये बी, और टी और जो है ये, इसमें देखिए 5 टोटल होल है, देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5। तो ये मेरा पी हो गया, ये प्रेशर लाइन, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये जो दोनों है ये टी लाइन है। तो टोटल कितना हुआ, 1 2 3 5 है, लेकिन ये टी ही है मेरा, तो 3 और 1 4, तो 4 वे हो गया, 4x3 सोलेनॉइड वाल्व हो गया, मतलब 4 वे हो गया मेरा। ठीक, और 3 क्या हो गया, पोजीशन हो गया। 3 पोजीशन क्या है, इसमें देखिए इसके अंदर में, अब नहीं दिखाई देगा शायद, इसके अंदर का पार्ट कैसा होता है हम वो दिखाते हैं आपको। देखिए, तो ये मेरा क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन में होता है। जब सोलेनॉइड अभी जो है नॉर्मल पोजीशन में है, तो अंदर में एक स्पूल होता है जिसमें 3 सिलेंडर टाइप का होता है। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं 1 ये 2, ये 3। ठीक है, तो ये वाला मेरा, ये नॉर्मल कंडीशन में है मेरा। देखिए ऐसे है, तो मेरा मिडिल में दिया क्या, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर फोकस करना। देखिए ये वाला मेरा नॉर्मल कंडीशन में दिया हुआ है, यही वाला हम इस पार्ट में लिखे हैं, जब ये कॉइल ऑन होगा तो मेरा इस कंडीशन में होगा, और जब ये कॉइल ऑन होगा दूसरा कॉइल, तो मेरा इस कंडीशन में होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में मेरा कैसा है, अंदर का स्पूल ऐसे रहता है, और ये क्लोज सेंटर सोलेनॉइड वाल्व है, मतलब हम जिसमें इसमें हाइड्रोलिक ऑयल अगर डालेंगे तो इसमें ही रहेगा, इसमें डालेंगे तो इसमें ही रहेगा, और इसमें डालेंगे तो इसमें ही रहेगा, मतलब चारों मेरा सेंटर क्या है, क्लोज है। देखिए बहुत सारा सोलेनॉइड वाल्व देखेंगे आप, तो उसमें क्या होता है, ये मेरा क्लोज टाइप सोलेनॉइड वाल्व है। बहुत सारा सोलेनॉइड वाल्व में कुछ ऐसा भी होता है, ठीक ऐसा होता है, ये मेरा पी है, ये टी है, ये ए और बी, ठीक है, तो मेरा इस टाइप का है, तो ये क्लोज सोलेनॉइड वाल्व है। तो इसमें क्या करते हैं, जिसमें मेरा प्रेशर लाइन, ये प्रेशर लाइन क्या रहता है, ये पंप, ये पी से क्या होगा, मेरा प्रेशर लाइन होगा, पी से प्रेशर लाइन, टी से टैंक लाइन, और ए क्या होता है सोलेनॉइड वाल्व, ये मेरा सिलेंडर का एक छोर होता है। देखिए मेरा सिलेंडर कैसे होता है, मान लीजिए ये मेरा सिलेंडर है, ये पिस्टन रॉड हो गया, तो हाइड्रोलिक ये कैसे रहता है, तो मान लीजिए ये मेरा ए होगा और ये मेरा बी होगा, अगर ए में ऑयल आएगा तो सिलेंडर मेरा ओपन होगा, और बी में ऑयल आएगा तो क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इस पोजीशन में क्या है, ए में क्या, ए में जब ऑयल डालेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये पिस्टन जो है और ये पिस्टन है, क्या है, क्लोज करके रखा है, इसका होल ए का जो भी स्पूल है ये क्लोज करके रखा है। ए में ऑयल डालेंगे तो यहीं तक रहेगा, देखिए इस पोजीशन इतना एरिया में ही ए का ऑयल रहेगा। पी में डालेंगे तो पी पूरा क्लोज है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट ये वाला क्लोज करके रखा है। बी में डालेंगे तो इसमें ये पूरा क्लोज करके रखा है, इसमें ऑयल रहेगा, और टी में डालेंगे तो टी भी पूरा क्लोज है। तो क्या होता है, जैसे ही हम कॉइल को ऑन करते हैं,
तो अंदर में क्या होता है, ये मैग्नेट क्या करता है, जैसे ये कॉइल ऑन हुआ तो मेरा मैग्नेट क्या होगा, इधर की तरफ क्या होगा, पुश कर देगा, जो ये मेरा स्पूल है ना, इस साइड पुश हो जाएगा, किस साइड में, आगे की तरफ पुश हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, सामने में ये पार्ट बचा हुआ है और ये पार्ट बचा है, ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इतना आगे मेरा स्पूल चला गया और ये वाला क्या है, पूरा सट गया इसमें, तो इसमें डायरेक्शन चेंज हुआ है, तो इधर से इधर पुश कर दिया, ठीक है। और जब ये वाला कॉइल ऑन होगा, मेरा दूसरा वाला कॉइल, तो ये क्या है, सिलेंडर को, ये मेरे स्पूल को इधर पुश कर दिया, इधर पुश कर दिया, देखिए मेरा स्पूल इधर पूरा सट गया है। तो इससे ही क्या होता है, मेरा डायरेक्शन चेंज होता है। तो देखिए इसमें क्या, जब जैसे ही मेरा स्पूल, ये मैग्नेट ऑन होगा, हम आपको ऑन करके दिखाते हैं, एक बार बंद करना है, एक बार इधर चला जाएगा, एक बार ऑन करना पावर, देखिए स्पूल मूवमेंट हो रहा, बंद करना, देखिए अपना पोजीशन पर आया, फिर से ऑन करना, मूव हो रहा, बंद करना, ठीक। तो देखिए आपको प्रैक्टिकली हम दिखा है कि मेरे स्पूल का मूवमेंट कैसे होता है। तो ये मेरा नॉर्मल पोजीशन में है, ठीक, और ये मान लीजिए ये मेरा कॉइल होता है, तो कैसे काम करना है ये भी प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको। तो ये मेरा नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ऑयल ऐसे ही रहेगा, जैसे ही मेरा कॉइल ऑन कर स्पूल मेरा आगे बढ़ जाता है। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होता है कि पी लाइन जैसे ही होगा, इसमें क्या होगा, देखिए इसमें इसका ये मेरा सिंबल है, जैसे प्रेशर लाइन किसमें जाएगा, ए में जाएगा, और बी का जो भी ऑयल होगा वो टी में चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रेशर लाइन, देखिए प्रेशर लाइन का ऑयल किसमें जाएगा, ये स्पूल क्या हुआ मेरा, जैसे ही ये स्पूल का सिलेंडर मूव हुआ इधर, तो मेरा पी, ये प्रेशर लाइन है, तो इसका ऑयल देखिए इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, मतलब कि पी से ए में आ गया मेरा, तो पी से ए में जैसे ही जाएगा तो प्रेशर लाइन ये ए है मेरा, तो ए क्या होगा मेरा, फॉरवर्ड कंडीशन में चला जाएगा सिलेंडर, ठीक है। और बी का जो भी मेरा ऑयल रहेगा सिलेंडर में, ये तो पूरा फॉरवर्ड गया, तो बी में कुछ ऑयल अगर रहा, तो बी देखिए बी कनेक्ट किससे है, टी से कनेक्ट है, तो बी का जितना भी ऑयल रहेगा वो टी टंक मतलब टैंक में चला जाएगा, समझ पा रहा है। हम आपको प्रैक्टिकली ये भी दिखाएंगे, इसको पूरा अच्छा से क्लियर करेंगे, इसको समझ लेते हैं। इसमें अलग है, इसमें पी का ऑयल, ये जैसे ही ये दूसरा कॉइल मेरा जैसे ही ऑन होगा, तो स्पूल को इधर इधर की तरफ लेगा, तो पी से बी में जाएगा, देखिए पी वाला जितना भी ऑयल है मेरा वो बी में चला गया, और ए का जितना भी ऑयल रहेगा यहाँ से, देखिए यहाँ से होते हुए टैंक में चला गया। तो इसमें टैंक लाइन दो दिया है, तो देखिए ये टैंक लाइन है, तो ये इससे कनेक्ट है, ये टैंक लाइन है और ये टैंक लाइन है, और इसमें भी वही है सेम कंडीशन, इसमें टैंक लाइन है, इससे कनेक्ट है, तो इसमें पी से बी में चला जाएगा और ए से डी में चला जाएगा। अब चलिए हम बताते हैं आपको ये मेरा वर्क कैसे कर। आपको ये मान लीजिए ये मेरा सिलेंडर है, सोलेनॉइड वाल्व है, ये फोर वे थ्री पोजीशन है, थ्री पोजीशन इसी को दिया है, नॉर्मल में मेरा ऐसे रहेगा, और ये क्या होता है, ये किसी भी मतलब होल्डिंग के लिए होल्ड्स अप, जितना भी सिलेंडर को क्या करता है, थोड़ा भी मेरा सिलेंडर को ऑयल में ये नहीं होने देता है। देखिए ये मेरा ऐसे है, तो ये मेरा पी है, ये टी है, ये ए और ये बी, मान लीजिए ये मेरा ए है, ये बी है, ये पी है और ये टी है, सेम यहाँ भी वही होगा, ये पी है, ये बी है, ये ए है और ये टी है। मान लीजिए हम एक सिलेंडर अपना बना देते हैं यहाँ पर, ये मेरा हाइड्रोलिक सिलेंडर है, ठीक, ये मेरा ए और ये बी है, मान लीजिए, तो देखिए इसको ए से क्या करते हैं, ए से कनेक्ट कर देते हैं ए में, और ये बी को कनेक्ट कर देते हैं किससे, बी में, और ए और बी इधर भी कर देते हैं एक बार, देखिए इसमें क्या होगा, ये जैसे ही प्रेशर, ये कॉइल मेरा जैसे ही ऑन होगा, ये सोलेनॉइड बल्ब हो रहा था यहाँ, ये कॉइल है मेरा, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो जैसे ही मेरा ए वाला जैसे ही ऑन होगा, तो इसमें इधर पुश करेगा, तो इसमें क्या होगा, पी से
ए में चला जाएगा ऑयल, तो पी में ए में जाएगा जैसे ही, तो मैं क्या सिलेंडर मेरा फॉरवर्ड होगा मतलब ओपन होगा, क्योंकि पी से ए में जा रहा, ठीक है, पी से ए में जाएगा तो सिलेंडर मेरा ओपन हो जाएगा और पी वाला जितना भी ऑयल होगा वो टैंक में चला जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया। और इससे देखिए ये बी है, तो बी से हम आ जाते हैं नीचे, और ये जो ए है ए से हम इसमें कर देते हैं, ये पी से आप इसमें क्या, जैसे ही एक इधर का सोलेनॉइड वाल्व ऑन होगा कॉइल, तो पी से बी में जाएगा, तो पी से बी में जाएगा, इसमें जाएगा प्रेशर लाइन, तो जैसे ही यहाँ पर जाएगा सिलेंडर में ऑयल, तो इधर का क्या होगा, ये मेरा ओपन नहीं, क्लोज होगा सिलेंडर, अब इधर ये जाएगा ओपन होगा मतलब क्लोज हो जाएगा, तो बी और ए का जितना भी ऑयल रहेगा वो टैंक में चला जाएगा, देखा ये ए का ऑयल ये टैंक में चला जाएगा, बस यही है। इसमें कुछ भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।